सीजीपीएससी इंटरव्यू गाइडेंस की इस खास सीरीज में आप सबका स्वागत है। गाइस, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स अबाउट योर ड्रेस कोड। ओके, अक्सर ये इंटरव्यू में कंफ्यूजन रहता है कि क्या ड्रेस कोड होना चाहिए, तो आइए बात करते हैं ड्रेस कोड के ऊपर। मेल ड्रेस कोड के ऊपर पहले बात करते हैं। देखिए, बॉयज के लिए सबसे पहले शर्ट की अगर हम बात करें तो लाइट कलर का कोई भी शर्ट चलेगा। लाइट कलर का जो शर्ट होगा, ध्यान रहे कि वो प्लेन रहे, या अगर चेक्स पैटर्न में भी रहे तो बहुत ही फाइन चेक्स होने चाहिए, जैसे इस वक्त मैंने पहन रखा है इस तरह का, राइट। ये जो शर्ट होंगे, ये आप चाहें तो लाइट पिंक या लाइट ब्लू या वाइट कलर, ऐसे कलर चुन सकते हैं। इसके साथ कंट्रास्ट में टाई होनी चाहिए। कंट्रास्ट में टाई का मतलब है कि आपकी जो टाई का कलर है वो काफ़ी डार्क होना चाहिए विथ लाइट ब्लू शर्ट। साथ में ट्राउज़र, वो भी कंट्रास्ट में ही होगा, ब्लैक या ब्राउन या नेवी ब्लू। उसके साथ बेल्ट और शूज़ की अगर हम बात करें तो बेल्ट और शूज़ फॉर्मल ही होने चाहिए, और ब्लैक रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, ब्लैक शूज़ ब्लैक बेल्ट। हालांकि कॉम्बिनेशन ब्राउन शूज़ और ब्राउन बेल्ट का भी बनाया जा सकता है, लेकिन मैं सलाह दूंगा कि ब्लैक शूज़ और ब्लैक बेल्ट ज़्यादा उचित होंगे। ध्यान रहे, अगर आप अपने साथ एक हैंडकरचीफ रुमाल कैरी करते हैं तो वो हमेशा वाइट रुमाल ही होना चाहिए और नीट एंड टाइडी होना चाहिए। इसके साथ ही साथ अगर घड़ी पहनना चाहते हैं तो आपकी जो रिस्ट वॉच है वो लेदर बेल्ट की हो, ब्राउन या ब्लैक बेल्ट की। आजकल जो डिजिटल वॉचेस आती हैं वैसे वो भी चल जाएंगी, लेकिन ब्राउन या ब्लैक बेल्ट वाली जो स्टैंडर्ड लेदर वॉच होती है वो ज़्यादा अच्छी लगेगी। अब बात कर लेते हैं आपके हेयर स्टाइल के ऊपर। देखिए, अगर हेयर स्टाइल में आपको बेसिक चीज़ों को कवर करना है तो आपके बाल जो हैं वो माथे के ऊपर बहुत ज़्यादा ना आए, इस बात का ध्यान रखें, यानी जुल्फ़ें लहरानी नहीं चाहिए, ये ज़रूरी है। और उसके साथ ही साथ आप चाहें तो प्रॉपरली ट्रिम करके कोम कर सकते हैं हेयर, तो आपकी एक नॉर्मल स्टैंडर्ड हेयर स्टाइल सबसे ज़्यादा अच्छी होगी। इस बात का ध्यान रखें कि बालों में कोई कलर वगैरह ना करा के रखें, ब्लैक के अलावा कुछ, इट डजंट लुक गुड। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं बियर्ड की, तो आप बियर्ड बिल्कुल रख सकते हैं। कई लोग ऐसा मानते हैं कि बियर्ड नहीं होनी चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप चाहें तो दाढ़ी रख सकते हैं या फिर क्लीन शेव में भी जा सकते हैं। अगर आप दाढ़ी रखना चाहते हैं तो इन दैट केस अपनी दाढ़ी प्रॉपरली सेट कर लें, या हो सके तो 1 या 2 mm पे उसको ट्रिम करा लें। इस तरीके से आप एक प्रॉपर ड्रेस कोड अपने लिए बना सकते हैं। अब बात करते हैं फीमेल के ड्रेस कोड की। देखिए, फीमेल ड्रेस कोड में आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं। पहला होता है सलवार कुर्ती का ऑप्शन और दूसरा होता है साड़ी का ऑप्शन। सलवार कुर्ती का ऑप्शन अगर हम देखें तो आप सलवार कुर्ती एक ऐसे पैटर्न की ले सकते हैं जो कि लाइट कलर में है और जो कॉलर वाला पैटर्न है, जिसमें बहुत ज़्यादा डिज़ाइन या फिर बहुत ज़्यादा कोई वर्क नहीं है। प्लेन सलवार कुर्ती विद कॉलर पैटर्न ज़्यादा शोभनीय लगेगा, और उसके साथ आपके लेगिंग्स। इसके साथ ही साथ अगर फुटवियर्स की बात करें तो फुटवियर्स में आप ब्लैक फुटवियर्स पहन सकते हैं, बिना हिल वाले या काफ़ी कम हिल वाले पहन सकते हैं, क्योंकि हिल जितनी ज़्यादा होगी फ्लोरिंग पे उसकी आवाज़ उतनी ज़्यादा आएगी, जो कि सही नहीं लगेगा। और अगर सॉक्सेस की बात करें तो आप प्लेन सॉक्स का ही इस्तेमाल करें। प्लेन सॉक्स में आप कोई डार्क कलर, या अगर लेगिंग्स आपके लाइट कलर में है तो लाइट कलर के सॉक्स उसके साथ पहन सकते हैं। हेयर स्टाइल की जहां तक बात करें तो गर्ल्स के हेयर स्टाइल का एक सिंपल रूल है कि सारे बाल आपको टाई करके पीछे रखने होते हैं, आधे बाल आगे आधे बाल पीछे इस तरीके से नहीं रखना है। ये जो पोर्शन है, यहाँ पर लहराते हुए बाल नजर ना आए, इसको हम कहते हैं रेडी टू परफॉर्म पोजीशन। तो उस तरीके से आप गेटअप रख सकते हैं अपना। इसके अलावा कोई एसेसरीज है जैसे कि झुमके, या फिर हाथों में कोई कंगन, या फिर कोई अंगूठियाँ, इस तरह की चीज़ों को अगर हो सके तो अवॉइड करें। अपार्ट फ्रॉम दैट, नेल पेंट्स हैं या फिर कोई बहुत डार्क मेकअप किया हुआ है तो इस तरह की चीज़ें भी नहीं करनी चाहिए। अगर साड़ी की बात करें तो साड़ी में आप कोई भी लाइट कलर चुन सकते हैं, और लाइट कलर अगर आप साड़ी की आपको आदत है तो आप ज़रूर साड़ी पहने, वो भी एक बहुत अच्छा गेटअप रहता है पीएससी में। तो लाइट कलर की कोई भी साड़ी आप पहन सकते हैं। ऑप्शंस आपको इस समय स्क्रीन पर नज़र आ रहे होंगे, इस तरह के ऑप्शंस आप बिल्कुल कैरी कर सकते हैं। इससे रिलेटेड अगर आप कोई और अधिक जानकारी चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।